अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवोलॉग में। तो आज मैं आपको मेरी शोभिया के कुछ कपड़ों का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद ने बनाई है। रेडीमेड बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके कपड़े खुद ही बनाती हूँ और मेरे भी। तो चलिए हम इसे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से उसके कपड़े बनाती हूँ या डिज़ाइन करती हूँ। तो देखिए मेरी वीडियो को लास्ट तक। बहुत सारे यहाँ पे कुछ फ्रॉक है, तो जो मैं ये फर्स्ट वाला आपको दिखा रही हूँ उसका वीडियो तो मैंने अभी जस्ट डाला ही है, 2-3 दिन पहले ही आया है, तो उसका आप वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट फ्रॉक है ब्लैक। तो मैंने यहाँ पे कुछ लेस लगा रखी है ब्लैक ब्लैक में। नीचे मैंने यहाँ पे झालर वाली डिजाइन ही बना रखी है। झालर वाले से बिल्कुल प्रिंसेज का लुक आता है, इसलिए मैं यहाँ पे झालर मैंने लगा रखी है। हर ड्रेस में वैसे आपको झालर ज्यादा मिलेगी। और हाँ, अंदर में यहाँ पे कॉटन का सॉफ्ट फैब्रिक ही लगाती हूँ, जिससे बच्चों को कंफर्टेबल भी रहता है और चुभता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं घर पे ही उसके नेट के फ्रॉक या डिजाइनर फ्रॉक तैयार करती हूँ। बीच में मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक बेल्ट, पीछे रिबिन, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ पास से। तो ये भी डिजाइनर नेट है, इसमें कुछ पर्ल का काम हुआ है और धागे से भी वर्क है। और नीचे मैंने यहाँ पे लगा रखी है प्लेन नेट, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा फूलती है, घेरेदार है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुन्नट है इसमें दे रखी है। और बिना आस्तीन वाला है ये, क्योंकि बच्चों को आस्तीन ज़्यादातर अच्छी नहीं लगती, वैसे मैं बिना आस्तीन के बनाती हूँ इसलिए। तो अंदर मैंने यहाँ पे लगा रखा है कुछ प्रिंटेड कपड़ा, जिससे इसका लुक और भी प्यारा लगता है, जो कि थोड़ा चेक में है। तो बड़ी बड़ी चेक वाला मैंने यहाँ पे अंदर प्रिंटेड कपड़ा लगा रखा है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये जब बाहर से दिखता है तो और भी प्यारा इसका लुक लगता है। चोली में भी मैंने इसे ऐसे ही डिजाइन किया है, तो आप फोटो देख सकते हो, ये पहनने के बाद इस तरीके का लगता है। और इसके ऊपर मैंने ये मोती वाला गोल्डन का हेयर बैंड बनाया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन गोल्डन ब्लैक बहुत ही प्यारा लगता है। तो फर्स्ट ड्रेस तो ये हो गई, तो हेयर बैंड मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये 2-3 ड्रेस पे आसानी से चल जाता है, जिसमें भी गोल्डन का कुछ भी लुक हो तो गोल्डन में आप ये वाला हेयर बैंड लगा सकते हो, यानी कि मैं लगा देती हूँ अपनी बेबी का। तो थोड़ा मोती वाला है, पीछे मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगाया, इससे कंफर्टेबल रहता है, ढीला लूज आसानी से हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे। जो कि बहुत ही ज्यादा डिजाइनर है। और हाँ, ये गाउन ड्रेस है, यानी कि पूरा लॉन्ग फ्रॉक है। तो मैंने नीचे लगा रखी है लेस, गोटा लेस, जो कि थोड़ी चमक में है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसमें पर्ल वाला, इसमें भी, इस नेट में भी पर्ल वाला काम हो रखा है, कशीदे का वर्क है, सूती धागे से काम है। और हाँ, मैंने नेक पे कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। पीछे मैंने यहाँ पे लगा रखी है जीप, जिससे आसानी से बच्चों को पहनाव आ सकता है ड्रेस। और पीछे मैंने लगाई यहाँ पे रिबिन, इससे ढीला लूज टाइट हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बच्चों को ढीले ही फ्रॉक बनाती हूँ। और कट वर्क की नेट है, यानी कि डिजाइनर नेट है, तो इसका लुक और भी ज्यादा सुंदर खूबसूरत सा लगता है। और बीच में मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक बेल्ट। तो देखिए कट वर्क के हमारे यहाँ पे नेट है, और मैंने नेट थोड़ी शॉर्ट में ही लगाई है और नीचे थोड़ी प्लेन में नेट लगाई है। तो बीच में मैंने यहाँ पे लगा रखा है बेल्ट, जो कि मैंने नीचे घेरे पे जो गोटा वर्क लगा रखा है, गोटा लेस लगा रखी है।
उसका ही मैंने यहाँ पे बीच में भी एक बेल्ट बना के लगा रखा है। तो बेल्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा डिजाइन में लगाया है। तो मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके का एक छोटा सा फूल, उस पर कुछ मोती झुम रखा है झुमकी। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर लगता है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा। और रेडीमेड जैसा ये रहता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि हम जब घर पे बनाते हैं तो हम कंफर्टेबल चीज़ें ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं, जैसे कि अंदर जो अस्तर होता है हम कॉटन सूती का लगाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हर ड्रेस में सूती कॉटन के अस्तर लगा रखे हैं जो बिल्कुल भी चुभते नहीं है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगा रखी है जो बच्चों की चुभे। बिल्कुल कंफर्टेबली मैंने यहाँ पे ड्रेसें बना रखी है। जितनी भी ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप चाहे गर्मी में पहनाओ चाहे सर्दी में पहनाओ, ये हर मौसम में अच्छी रहती है, बिल्कुल भी गढ़ती चुभती नहीं है। तो बच्चे इसे पहनने के बाद परेशान नहीं होते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट ड्रेस पे। तो इसके साथ भी मैंने ये वाला हेयर बैंडी इस पर लिया है, जो कि मैं आपको पहले दिखा दिया है मैंने आपको। तो गोल्डन पे मैंने यहाँ पे गोल्डन ही लिया है, जो कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा जाता है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर ये वाला हेयर बैंडी बनाया था, ब्लैक वाले के ऊपर भी लगा देती। तो देखिए पहनने के बाद ये इतना लॉन्ग और इतना मतलब कि अमेजिंग ज़बरदस्त सा लगता है ना बच्चों के ऊपर, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस आप फोटो या वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि पहनने के बाद ये इस तरीके का लगता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस पे, जो कि थोड़ी पार्टी वियर है। और नेक्स्ट इसकी बिल्कुल चमकीली है, क्या बोलते हैं यार, डिस्को नेट भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इस पर मैंने यहाँ पे गले पे लगाई है बिल्कुल बारीक पट्टी, बाजुओं में भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक पट्टी लगाई। और हाँ, ये बिल्कुल बाहर भारी मैंने लगाई है, अंदर की तरफ इसको नहीं लगाई है। बीच में मैंने यहाँ पे लगाया है एक बेल्ट ब्लैक एंड चमक वाली नेट का। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल इस पे लगा रखे हैं, इससे इसका लुक और भी प्यारा लगता है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और पहनने के बाद बच्चों पे ये इतना प्यारा लगता है कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और इसको भी मैंने थोड़ा शॉर्ट और अंदर से नेट थोड़ी निकलती हुई मैंने लगाई है। तो बाजू में इस तरीके से नेट वाला मैंने यहाँ पे गला रखा है, देख सकते हो आप, नेट का मैंने यहाँ पे गला बनाया है। वो पीछे भी मैंने यहाँ पे रिबन लगाए हैं। और जब हम सामने बेल्ट लगाते हैं तो लुक पूरा चेंज हो जाता है ड्रेस का। तो मैंने हर ड्रेस अपनी बेबी के लिए बना रखी है, जैसे हम कभी भी रेडीमेड ड्रेस नहीं लाती हूँ इस तरीके की, क्योंकि बच्चों को चुभती है और पसंद भी नहीं आती है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं घर पर ला के खुद ही बनाती हूँ उसके लिए गाउन फ्रॉक। तो मैंने यहाँ पे कमर के यहाँ पे जो बेल्ट लगा रखा है उस पर मैंने यहाँ पे पर्ल लगा रखे हैं, छोटे छोटे मोती जो कि मैंने नेक पे लगा रखे हैं, वो छोटे मोती मैंने यहाँ पे नीचे बेल्ट पे भी लगा रखे हैं। तो डिजाइनर नेट है वो बहुत ही प्यारी है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। और जो रेड नेट है हमारी, उसको मैंने यहाँ पे मटर का डिजाइन बनाते हुए नीचे पूरे घेरे में लगाया है, जिससे इसका लुक और भी प्यारा लग रहा है। और हाँ, घेर इसमें बहुत ज्यादा है, जब सोविया पहनती है तो उसके ऊपर बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके अंदर भी सॉफ्ट कॉटन का फैब्रिक मैंने इसमें यूज़ किया है, बिल्कुल भी केन वगैरह कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया है, जो छुपती हो ऐसी चीज़ मैंने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है मैं तो। और इस पे बनाया मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर हेयर बैंड, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और हाँ, ये पीछे से खुला है, आप इसको टाइट लूज अपने हाथों से बांध के कर सकते हो।
तो थोड़ा मैंने इसे थोड़ा डिजाइन में बनाया है। तो चलिए इसका भी पिक मैं आपको या वीडियो आपको दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद किस तरीके का लगता है। तो पहनने के बाद ये इस तरीके का लगता है। हेयर बैंड भी साथ में लगा रखा है, आप देख सकती हो। तो थोड़ी इसके ऊपर की जो डिज़ाइनर नेट है वो थोड़ी मैंने शॉर्ट में रखी है और जो प्लेन नेट है वो थोड़ी लॉन्ग रखी है। तो इस तरीके का बनने के बाद ये तैयार होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस पे, जो कि पिंक कलर की है और बच्चों के ऊपर ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसके साथ मैंने लिया एक रेडीमेड हेयर बैंड। तो मार्केट में हेयर बैंड तो बहुत ज़्यादा मिल ही जाते हैं, कलर में भी सब तरीके है। तो मैं कुछ मार्केट से भी ख़रीदती रहती हूँ और मैचिंग कर लेती हूँ ड्रेस के साथ। तो मैंने यहाँ पे नेक बिल्कुल सिंपल बनाया है, पीछे हुक लगा रखा है या फिर चिट बटन कुछ भी आप लगा सकते हो। और बीच में मैंने यहाँ पे मोती लगा रखे है और बेल्ट पे लगाया है मैंने यहाँ पे दो फ्लावर और कुछ छोटे छोटे फ्लावर जिसकी मैंने बेल्ट डिज़ाइन कर रखी है। तो इस तरीके का फैब्रिक भी मार्केट में मिल जाता है, जो कि आप घर पे लाके सामान और बना सकते हो। और छोटे छोटे पर्ल मैंने यहाँ पे बीच में लगा रखे हैं। तो छोटे छोटे पर्ल मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, जिससे लुक और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। और नीचे मैंने करवा रखी है यहाँ पे पीकू, तो इसके अंदर भी नेट है। ऊपर से तो ये बिल्कुल छोटा सा है, शॉर्ट फ्रॉक है ये। और अंदर मैंने यहाँ पे नेट लगा रखी है, जिस पे मैंने यहाँ पे पीको करवा रखी है। तो नेट लगाने से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फूलता है और थोड़ा प्रिंसेस लुक देता है, इसलिए मैं यहाँ पे नेट लगाना पसंद करती हूँ। तो पीछे का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पीछे मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक रिबिन, जो कि मैंने थोड़ा चौड़ा लगा रखा है, चौड़ा रिबिन। और ऊपर मैंने लगा रखा है यहाँ पे हुक। तो सिंपल सा ये फ्रॉक मैंने बना रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। और इसके साथ आप एक ये वाला हेयर बैंड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसे तो मैं इसे इसके ऊपर ज़्यादातर यही लगाती हूँ। तो चलिए देख लीजिए आप इसकी भी वीडियो के पहनने के बाद ये वाला ड्रेस कैसा लगता है। तो पहनने के बाद ये इतना सुंदर लगता है और कलर देख लीजिए आप, बच्चों के ऊपर ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलते हैं लास्ट मतलब कि नेक्स्ट ड्रेस पे, जो कि मेहरून कलर में है। तो सबसे पहले मैं इसका हेयर बैंड आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे मेहरून कलर का एक हेयर बैंड बना रखा है, जिस पे बो डिज़ाइन का मैंने बना रखा है, एक बो लगा रखी है, उस पे मैंने दो मोती भी लगा रखे हैं। तो नेट का मैंने यहाँ पे नेक बना रखा है और डिज़ाइनर नेट मैंने यहाँ पे चोली पे लगा रखी है। सिर्फ चोली चोली पे मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर नेट लगा रखी है, जो कि चमक रही है, आप देख सकते हैं। इस पे कुछ सितारों का वर्क है और मैंने यहाँ पे रेशमिन रिबिन का प्रयोग किया है, जिसे आप पीछे बांध सकते हो, इससे लूज टाइट आराम से हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट पे एक फ्लावर लगा रखा है, जिसे मैंने खुद ने बनाया है। और उस पे एक मैंने यहाँ पे बटन लगा रखा है वाइट कलर का। तो ये वाला ड्रेस डबल झालर में है, एक छोटी झालर एक बड़ी, यानी कि डबल झालर में मैंने इसे बना रखा है। और इस पे पीको वर्क है, पीको मैंने करवा रखी है। तो ये वाला ड्रेस भी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलिए इसको भी आप देख लीजिए इमेज के रूप में। तो पहनने के बाद ये इस तरीके का लुक देता है और हाँ, थोड़ा शॉर्ट में है और देखिए कितना फूला फूला है, यानी कि प्रिंसेस लुक देता है।
जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस पे, जो कि है ग्रीन कलर में। तो मैं इसे पास से बता देती हूँ, यह भी डिजाइनर नेट का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है, जिसका मैंने यहाँ पे चोली पे डिजाइन लगा रखा है डिजाइनर नेट का, और नीचे है सिंपल प्लेन नेट। तो इस तरह की नेट मार्केट में इजीली मिल जाती है, और इस तरीके का आप ड्रेस बना सकते हो अपने बच्चों के लिए घर पे, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, चुभते बिल्कुल भी नहीं है मार्केट जैसे, जो कि मार्केट वाले चुभते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं चुभते हैं। तो इस पे भी मैंने यहाँ पे डबल झालरी लगा रखी है, गला और शोल्डर के यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। ग्रीन के साथ मैंने यहाँ पे येलो हेयर बैंड का कॉम्बिनेशन मिलाया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है येलो ग्रीन। और हाँ, ये भी डबल झालर में है, और इस पे मैंने झालरों पे तो कमर के यहाँ पे मैंने इस तरीके का बैंड यानी कि रिबिन लगा रखा है। जब आप इसको पीछे से टाइट करते हो तो ये सामने से फिटिंग हो जाता है, अभी तो लूज है ये, क्योंकि पीछे से हमने इसे बांध नहीं रखा है। तो पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने थोड़ा सा खुला रखा है गले को, ताकि बच्चों को सिर पे से आराम से नीचे ऊपर उतर जाए, चढ़ जाए। और चिट बटन इस पर लगा रखिए, अंदर बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट मुलायम कपड़े का मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो सिंपल सा ड्रेस मैंने यहाँ पे तैयार किया है, लेकिन सिंपल ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और नीचे मैंने झालर पे यहाँ पे लगा रखी है, तो देखिए पहनने के बाद ये इस तरीके का लुक देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए हम बेबी पिंक ड्रेस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के ऊपर ये कलर, जो कि मैंने इस पे भी कुछ डिज़ाइनर कपड़े का इस्तेमाल किया है, और इसे भी डबल झालर में मैंने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे बनाए हुए, लेकिन ये अभी तक भी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने इसको बनाया था, पिंक ड्रेस एंड ग्रीन ड्रेस को, जो कि थोड़ा शॉर्ट भी हो चुके हैं। तो सिंपल सा ड्रेस मैंने यहाँ पे तैयार किया है, पीछे लगाया मैंने रिबिन, हर ड्रेस में मैंने यहाँ पे रिबिन और बेल्ट लगा रखे हैं, जिससे लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसके साथ ही मैंने हेयर बैंड बना रखा है, जिसमें मैंने बो का एक डिज़ाइन बना रखा है, यानी एक बो लगा रखी है। और नीचे झालर पे मैंने कुछ लेस का इस्तेमाल किया है, तो देखिए पहनने के बाद ये कितना प्रीटी, और कलर देखिए आप कितना सुंदर लगता है बच्चों के ऊपर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस पे। तो ये मैंने नहीं बनाई है, ये मार्केट की है, सिर्फ ये एक ही ड्रेस है जो मार्केट वाली है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। तो ये है मार्केट वाली ड्रेस, जिसमें कुछ भी अंतर नहीं है, जैसे मैंने बना रखी है सेम वैसी ही है। और इसके साथ हेयर बैंड नहीं है, तो मैंने ये वाला हेयर बैंड इसके साथ कॉम्बिनेशन में मिला रखा है। तो ये भी प्रिंसेस ड्रेस है, जो कि बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो कुछ ड्रेस ये थे जो सोबिया के कलेक्शन में थे, सोबिया के लिए मैंने बना रखे थे। तो इस तरीके से इसमें नेट से इस तरीके का डिज़ाइन बना रखा है, जो कि मैं आपको खुद ये डिज़ाइन बना के बता सकती हूँ। अगर आपको देखना है तो जल्दी से कर दीजिए मेरी वीडियो में कमेंट, लाइक। तो पहनने के बाद इस तरीके का लगता है, लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, और एकदम परी जैसा लगता है, जैसे परिया पहनती है ना, उस तरीके का ये ड्रेस लगता है। तो ये थे कुछ ड्रेस जो कि मैंने खुद घर पर बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे, और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर पसंद आई हो आज की वीडियो, तो जल्दी से कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब मेरे चैनल, तो बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करना। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू सून।